अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक नया रसा रेसिपी लेके आई हूँ और ये है फालूदा का रेसिपी है जो मैं इस वीकफील्ड फालूदा मिक्स रोज फ्लेवर का लेके आई हूँ। और यहाँ मैंने हाफ लीटर का दूध लिया है, उसमें 200 ml का पानी मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उसको गैस फ्लेम में लो फ्लेम में आपको उसको रख देना है। तो मैं ये वीकफील्ड का रोज़ फ्लेवर का फालूदा जो हाफ पैकेट यूज़ कर रही हूँ हाफ लीटर के लिए, और उसको चलाते रहना है, दूध जो मैंने बिठाया है उसको चलाते रहना है। अब आपको ये वीकफील्ड रोज फ्लेवर का फालूदा को मिक्स कर लेना है दूध में और उसको चलाते रहना है। आपको उसको तब तक चलाना है जब तक अच्छी तरह से बॉयल ना आ जाए। आप देख सकते हैं बॉयल आने लगा है, और आपको उसको कम से कम 15-20 मिनट तक कुक कर लेना है। कुक करने के बाद आप उसका फ्लेम को बंद कर लेना है, और ठंडे होने के बाद उसको रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं 3 घंटे के लिए। रेफ्रिजरेट करने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। 3 घंटे के बाद निकाल के देखना, ये फालूदा जो है वो पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है। अब ये फालूदा को साफ करने के लिए तैयार करते हैं। पहले आपको फालूदा को लेना है, लेने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है, आपको जो पसंद आए आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से फालूदा को ऐड करना है। इसी तरह ये ग्लास को भी आपको फिल करना है। ये मैंने दोनों ग्लास में ले लिया है। उसके बाद आपको जो भी फ्लेवर का आइसक्रीम पसंद आए आप वो दे सकते हैं, और गार्निश कर सकते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। मैंने ये आलमंड्स ऐड किया है, और पूरी तरह से तैयार हो गया है। आप खा के देखिए और बताइए मुझे कैसे हुआ है। थैंक यू।